हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियोस में आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने आयनिक बॉन्ड हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब जो हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड है बेटा, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पर को लिखा, को प्लस वैलेंट, वैलेंट मतलब कि वैलेंसी से रिलेटेड है, और को का मतलब यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग है, मतलब आपसी साझेदारी है। तो यहां पर इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा? इट मे बी डिफाइंड एज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफाइंड एज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। आई बात सुनने तो क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसे बनेगा? म्यूचुअल शेयरिंग से, आपसी साझेदारी से। तो जो दो कंबाइनिंग एटम, जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो उनकी शेयरिंग से, उनके इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर ये जो बात लिखी हुई है, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन एटम के बीच में शेयरिंग होगी, वो एटम सेम भी हो सकते हैं और वो एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई मैटर नहीं कि भाई ये हमेशा सेम के बीच में बनेगा या डिफरेंट के बीच में बनेगा। अब क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय एटम या वन एटम कॉल्ड इट्स वैलेंसी या कोवैलेंसी, कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, तो वो उस एटम की कोवैलेंसी कहलाएगी। जैसे आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी था कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, वैसे यहां पर कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? कोवैलेंसी। और ध्यान रखना कि जनरली कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो किन में बनता है? वो बनता है नॉन मेटल एटम, मतलब कि जब दोनों ही एटम ऐसी सिचुएशन में हो कि उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। भाई पहले तो क्या था, एक बहुत ही पावरफुल था और एक बहुत ही वीक था। तो पावरफुल वाला क्या कर रहा था, वीक वाले से इलेक्ट्रॉन छीन करके ले लेता है, है ना, और वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। बट जब दोनों ही एटम्स पावरफुल होंगे, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और तो उस सिचुएशन में क्या कोई भी एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा? उस केस में कोई भी एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि वहां पर कोई भी ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगी बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी शेयरिंग से हमेशा क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आई? तो ये हो गया। तो लिख सकते हैं हम कि जनरली द कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two non-metallic atom, दो नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो जैसे O2 हो गया, ऑक्सीजन के दो एटम्स हो गए, दोनों में शेयरिंग हो रखी है। Cl2 हो गया, क्लोरीन के दो एटम्स हो गए, यहां पर भी शेयरिंग है। नाइट्रोजन के एटम्स हो गए, तो ये तो सब क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बन सकते हैं, लाइक HCl, लाइक NH3, CH4, ये सब हो गए। तो इन सभी के बीच में क्या हो रखे बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने सभी ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो
तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल एटम में। और कंडीशन क्या रहेगी कि हर एक एटम जो बॉन्ड बना रहा है वो एक के कम से कम एक इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर करेगा, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर करेगा। और जितने भी कंबाइनिंग एटम है उनकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, अगर हाइड्रोजन है तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे, ठीक है। जैसे अगर मैं इनके लेवी स्ट्रक्चर्स की बात करूं, लेवी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास CH4 है, जैसे सिंपल सा, अब कार्बन एटम है और फोर हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो जो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिक्स एटॉमिक नंबर सिक्स कॉन्फ़िगरेशन, 2 4 मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक हो गया। तो कार्बन के 4 एटम्स है, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो लेवी स्ट्रक्चर है वो सिंपल हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ अपना डुप्लेट पूरा करेगा, फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, एक खुद का होगा और एक कार्बन का होगा, और जो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। अगर अब मैं इसमें बात करूं कि कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4, और जबकि हाइड्रोजन एक एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, हमने तो कभी ये चारों के काउंट कर दो, ये कोवेलेंसी पर एटम निकाली जाती है। तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1 कोवेलेंसी होगी, और इस तरीके से हमने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की कोवेलेंसी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हो जाएगा ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ऐसे ही जैसे हम वोटर का कर सकते हैं, ठीक है, हम वोटर का कर सकते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 6 हो गए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सिर्फ अपना डुप्लेट ही पूरा करना है, तो ये हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए और ये इनका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लैब स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये इनके रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि वो जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम उनके ऑक्टेट स्टेबिलिटी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बेस पे हम उनके फॉर्मूले बना रहे हैं बस। तो हो गया क्लियर ये। तो अब इसी तरीके से जैसे यहां पर दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। हमने 10th में पढ़ा हुआ कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो किसके बेसिस पे हो गई है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच एटम, ठीक है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे, किसके बेसिस पे, कि वो जो एटम है जो शेयरिंग कर रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड वन है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सिंगल क्या होगा, डबल क्या होगा, ट्रिपल क्या होगा, और 4 क्वाड्रपल क्यों नहीं हो सकता, कि
दो एटम चार बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? ठीक है, जैसे कि दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो एटम ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो व्हाई टू एटम्स डू नॉट शेयर फोर इलेक्ट्रॉन्स? ऐसा क्या लॉजिक होगा कि वो फोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर कर पाते? तो ये लॉजिक भी हम पढ़ेंगे, बट जब हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे तो उस टाइप की चीजें पढ़ेंगे हम कि भी मैक्सिमम वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बना सकते हैं। क्लियर है? तो अब नाम से पता लग रहा है कि बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, व्हेन टू कंबाइनिंग एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच। जब जो वो कंबाइनिंग एटम है अगर वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करते हैं ना, तो इजीली समझ ही जाओगे आप, जैसे कि क्लोरीन Cl2, तो अब यहां पर क्लोरीन का एक एटम हो गया, यहां पे भी क्लोरीन का वन एटम हो गया, दोनों के आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोनों को ही क्या चाहिए बेटा, वन वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों की ही आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वे सेम एटम है तो सेम ही पावर होगी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा। तो ये क्या करेंगे, ये समझदारी दिखाएंगे और शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और वे स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स कंबाइनिंग एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन O2। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही ऑक्सीजन के एटम्स क्या कर लेंगे, यहां पे अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, तो इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड है। एक डैश का मतलब हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो सिंगल डैश है वो जो सिंगल डैश किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, टू इलेक्ट्रॉन्स को, या ये कह लो वन इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे यहां पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पर क्या लगेगी, सिंपल एक ही डैश लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि CO2 का एग्जांपल ले लेता हूं। अब CO2 में क्या होगा कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन के एटम्स है, है ना, कुछ इस तरीके का बनेगा और ये स्टेबल हो गया। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड हो गया, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल हो गया। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों कंबाइनिंग एटम थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हो। अगर दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन्स है तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर लेगा, वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेता है और क्या बना लेगा, ट्रिपल कोवलेंट। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा कि ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स हो गए। ऐसे ही एक टाइप आती है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब नाम अलग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट एक्चुअल में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी हम उसको कोवलेंट बॉन्ड ही मान के चलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जब वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड के जैसा ही है, मॉडर्न टाइम में हम दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करते, इवन उनकी रिप्रेजेंटेशन भी सेम ही होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो है तो एक्चुअल में कोवलेंट ही, मतलब यहां पर भी शेयरिंग ही होती है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो दो एटम है वो दोनों इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों वन वन, दोनों टू टू, या दोनों थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इस बॉन्ड में एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इन दिस बॉन्ड ओनली वन एटम डोनेट इट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि जो दूसरा एटम होगा वो सिर्फ उसको शेयर करता है, उसको यूज करेगा, उसके खुद के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब कि कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एक बंदा पूरे के पूरे पैसे लगा रहे, दूसरे ने तो बस क्या करना है, उसके साथ रहना है, ठीक है, मजे करना है बस उसने। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड
एज द कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि कोवलेंट ही है ये भी, एज द कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, ठीक है, वाइल अदर एटम जस्ट यूज इट और शेयर, ठीक है, दूसरा तो बस उसको शेयर शेयर करता है, साझेदारी करता है, जब तो कुछ है नहीं, तो कहता है कि इसमें इस वाले बॉन्ड में क्या होगा, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, ठीक है, इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से ही आते हैं, दूसरा सिर्फ उसको यूज करता है, उसको सिर्फ शेयर करेगा, पार्टनरशिप में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब कि इस बॉन्ड में क्या हुआ, एक तो होगा डोनर है ना, एक होगा एक्सेप्टर, सॉरी एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। तो ध्यान क्या रखेंगे, जो हम नॉर्मली हम यूज करते हैं, आज तो हम कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, बट स्टार्टिंग में जब आप समझ रहे हो इसको, तो ये चीज ध्यान रखना कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, तो जो डोनर की तरफ हमेशा टेल होगी और एक्सेप्टर की तरफ हमेशा हेड होगा, मतलब कि ये जो एरो है ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग को कह सकते हो कि भाई वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम से आए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम से आए हैं। अब जो डोनर होगा उस डोनर का क्या होगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉन बॉन्डेड, मतलब कि भाई पहली कंडीशन की जो डोनर है उस डोनर के पास खुद के आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हों, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया हो, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस एटम का इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा, प्लस उसके पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होने चाहिए जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो उसके पास फ्री पड़े हैं, भाई तो देगा, अब जो इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बना चाहिए किसी दूसरे के साथ, तो अब उसके साथ कैसे बनाएंगे, बॉन्ड टूटेगा कोई ना, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैं बता दूंगा कि क्या होते हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, या तो ये कंडीशन होगी, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हो, कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर ये कंडीशन भी है तो भी बात बन जाएगी कि भाई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हो और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। और जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, दोनों में रिपल्शन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके पास मैक्सिमम केस में क्या होना चाहिए बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है, जो मेन कंडीशन है कि उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अब हो सकता भी उसके ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही ना, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह सकते हो, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बहुत डीप से भी पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा ये अच्छे से, ठीक है। तो अभी बस ध्यान का रखना है कि डोनर कौन होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ हो, और एक्सेप्टर कौन होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, ये मत होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, हो सकता है उसके ऑक्टेट पूरा हो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली घर होना चाहिए, जिसमें जब वो डोनर उसको इलेक्ट्रॉन दे तो उन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले। भी मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो आपको पहले उस चीज को लेने के लिए जगह तो होनी चाहिए, वरना कहां लोगे, आपके दोनों हाथों में पहले से कुछ भरा हुआ है, हाथों में कुछ लिया हुआ है, अब मैं आपको फिर से कोई तीसरी चीज दे रहा हूं तो कुछ ले सकते हो आप, उसको ले नहीं पाओगे, मन होते हुए भी नहीं ले पाओगे। तो वही चीज यहां पर है कि वो डोनर से इलेक्ट्रॉन तभी ले पाएगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तभी ले पाएगा जब वो खुद के पास कोई जगह होगी, ठीक है। देखो अब इसका कुछ एग्जांपल करवाता हूं मैं, तो बिल्कुल सिंपल से है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा ये। अब इसके एग्जांपल्स देखो, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक हमने ले लिया NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
और दूसरा है मेरे पास एच पॉजिटिव आयन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है। अब नाइट्रोजन के जब आप चेक करोगे, बिना नाइट्रोजन का कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी दो, और ये दो तो है ही, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। अब बात यह है कि अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन, अब ये कहा था मैंने दो, कम से कम दो नॉन बॉन्डेड होने चाहिए, ये नहीं है बेटा कि भाई ये 8 प्लस दो और होने चाहिए, नहीं, टोटल 8 बेशक हो, बट उन 8 में से कम दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, उसको हम बोल देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अकेला है, जो लोन में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन है, इसका पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास, अमोनियम आयन। अभी बात समझ में, तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे मैंने क्या कर लेता हूं, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, ओजोन का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अब ओजोन कैसे बनती होगी, O3 मोलिक्यूल कैसे बनेगा, पहले मैं O2 की बात करूं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन और आ गई भाई, तो अब ये सोचो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ सकती है क्या, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकती है, सोच के देखो। चलो हमने एक बार इसके डबल बॉन्ड बना दिए, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ये कर दिए, तो अब जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके कितने रूम हो गए, भी एक बॉन्ड ये बनाया, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास चार ऑर्बिटल होने चाहिए, प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन भी कहने के का कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, 5। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड में एक तो एस ऑर्बिटल होता है, एक पी होता है, एस ऑर्बिटल में एक होता है और पी में होते हैं 3, तो टोटल 4 ही तो गई, मतलब कि सिर्फ उनके पास जो जगह है वो सिर्फ 4 की है, तो जब स्पेस ही 4 का है तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो मतलब क्या हो गया कि ये जो फॉर्म होगी, ये फॉर्म क्या होगी बेटा, गलत होगी, ये चीज गलत होगी, तो हम इस चीज को ऐसे बना ही नहीं सकते हैं। तो जो हम ओजोन का फॉर्मूला बनाएंगे, ओजोन का किस तरीके से बन जाएगा कि ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन थी ये यहां पे, तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा लोन पेयर जो था वो इसको डोनेट कर देगा, मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड था और यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब चेक कर सकते हो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी 1, 2, 2 तो बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, दो ऊपर 6, एक बॉन्ड ये रहा 8। तो ये जो बॉन्ड है बेटा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसको नहीं दिए, ये शेयरिंग के हैं। अब इन इस इलेक्ट्रॉन को ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के भी है और वो इस ऑक्सीजन के भी है, दोनों के हो गए वो, तो दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे एक और चीज जो मैं बता रहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, जैसे कि एक NH3 है मेरे पास, ठीक है, दूसरा है H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तुमने पढ़ा हुआ भी होगा ये 10th क्लास में, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव कुछ इस तरीके से बनता है भी, जब H पॉजिटिव वाटर के पास जुड़ जाता है तो वाटर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहां पर, और ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो अब ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर किसको देना चाहता है, इस पॉजिटिव को, ऑक्सीजन को, तो क्या ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ऑक्सीजन के पास सेकंड पीरियड में है ना 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फर्स्ट में ये आ गया, सेकंड ऑर्बिटल में ये आ गया, थर्ड ऑर्बिटल में ये आ गया, चौथे में लोन पेयर हो गया, तो पांचवे के लिए जगह है क्या, यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो तब मैं कह रहा था कि बॉन्ड वही लेगा, एक्सेप्टर वही हो सकता है जिसके पास खाली जगह हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, अदरवाइज वो एक्सेप्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी तुमने काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इसके ऊपर करने हैं, ठीक है। और फिर भी कोई भी डाउट हो कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, बट आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करोगे। ओके, थैंक यू।